शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्र मनाइए कि हमने उसका मुंह नहीं नोचा। कैसी बातें कर रही हो कीर्ति तुम? तुमने और श्रद्धा ने मिलकर ही प्लान बनाया था और तुम लोग ही अब जब आप दोनों भाभियां मुझे मिली तो फिर मैं बहुत खुश थी। फिर आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरती, हम जानते हैं कि तुम्हें इस बात का बहुत दुख हुआ है, लेकिन हम बस भाभी, कम से कम अब तो आप ऐसा मत करिए। अब तो बंद कर दो मेरे भाइयों का साथ देना, अब तो बंद कर दो उनकी गलतियों को छुपाना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे दोनों भाइयों को हुआ क्या है। उनका दिमाग इतना कैसे खराब हो गया कि वो इतनी अच्छी दोनों पत्नियों को छोड़कर वो रागनी दी के पीछे पड़े हैं। पर भाभी, आप दोनों को क्या हुआ है? आप दोनों ने कुछ क्यों नहीं किया? रोते, गिड़गिड़ाते, गुस्सा करते, कुछ भी करते, पर उन्हें रोक लेते ना। माता रानी, आज आपने बचा लिया, आरती ने कुछ नहीं सुना। आरती, देखो, रोका तो उसे जाता है ना जो रुकना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने मन ही बना लिया है तो फिर कोई क्यों नहीं दूं? क्यों बार बार आप हमें वो सब याद दिला रही हैं कि कैसे वो रागनी हमारे पतियों पे वो टोना टोटका करके हमारे पतियों को इसके भाई के भाइयों को हमसे छीन रही है। उफ कीर्ति, इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ी जाएंगे। भाभी, आप ऐसा मत सोचिए, आप बस अभी ये सोचो कि ऐसा क्या करे कि वरुण भैया और अभय भैया उस रागनी के पास न जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके भाई हैं वरुण जी और अभय, और इसे अब भी हमारी फिक्र हो रही है। भाभी, मुझे तो सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये देख के कि वरुण भैया अभी भी वो रागनी दी का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। क्या हे भगवान, आरती यही है, कैसे रोकूं इसे? कीर्ति, अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। आरती, देखो तुम चिंता मत करो, अब ऐसे मैं बात करती हूँ, तुम देखना सब ठीक होगा। यहाँ कभी कुछ ठीक नहीं होगा, मैं जानता हूं ना, शुरू से यही होता आया है मेरे साथ। इस घर में तंग आ गया हूं मैं, यहां पर कोई नहीं है मेरा, और आज रागनी तुम मेरे साथ थी ना, इसलिए तुम पे भी देखा मैंने। और वरुण, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। रागनी, मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि तुम अब भी मेरे साथ हो, और किसी को मेरा दर्द दिखता क्यों नहीं? हर बार अंत में कीर्ति सही होती है और मैं गलत, इतना अकेला हूं मैं, तंग आ गया हूं, हर बार हर गलती मेरी नहीं है। वरुण, शांत हो जाओ तुम, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। थैंक यू। ना गुस्सा करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। जब भी हम एक नए रिश्ते में जुड़ते हैं तो आप उस रिश्ते से क्या चाहते हैं? साथी से थोड़ा सा प्यार, थोड़ी इज्जत और बस थोड़ा सा सुकून। लेकिन रागनी, मुझे अपने साथी से ऐसा कुछ भी नहीं मिला।
मिली तो बस बेवफाई मिली, वो तो तुम अच्छे से जानती हो। तरस गया हूं जरा से प्यार, जरा सी इज्जत के लिए। तुम ही बताओ रागनी, क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूं? क्या? क्या इन चीजों पे मेरा जरा सा भी हक नहीं है? क्यों हूं मैं इतना अकेला? क्यों? तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो बरा, मैं तुम्हारे साथ, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है और हर चीज पर तुम्हारा हक है। तुम सच कह रही हो रागनी? फिर से मेरे साथ कोई मजाक? अब कोई मजाक नहीं, अब सिर्फ सच। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू रागनी, थैंक यू सो मच। तुमने इतना कह दिया, अब तुम्हारा सहारा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मर गया? क्या मतलब कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूं, तो मैं बस यही कह सकता हूं कि मैं मर गया हूं तुम्हारे प्यार में रागनी। तुमने जकड़ लिया है मुझे, मेरी रागनी। ये रागिनी नाम की मुसीबत ना सबके लिए मुसीबत बनती जा रही है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं कीर्ति गुस्से में आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर देखती हूँ। कीर्ति, क्या हो गया तुझे? तू इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा दीदू कि आप किस मिट्टी की बनी है। माना ये था हमारा प्लान, पर दीदू आई एम सॉरी, अब वरुण जी को हम इस नाटक में और आगे बढ़ने नहीं दे सकते। भाड़ में गई रागनी, भाड़ में गया सब कुछ। अब बस कीर्ति होश में तो है तू? अरे हम मंजिल के इतने करीब आ चुके हैं, उसके बाद तू ऐसे कैसे? दीदू हमारे पति रागनी की मंजिल नहीं है। आपको लग रहा है ना कि सब बढ़िया चल रहा है, मंजिल के करीब है, पर ऐसा नहीं है। ये रागनी जब वरुण जी के साथ लिपटा लिपटी करती है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के साथ? वो कीर्ति शांत हो जा। देख मुझे पता है कि तू इस वक्त बहुत गुस्से में है, और अपनी बहन को ऐसे गुस्से में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर इस वक्त बात हमारे घर की है कीर्ति। दीदू हमें और कुछ नहीं सुनना, हमने कह दिया ना नहीं सुनना, हमारी तरफ से अब बस। प्लीज मेरी बात सुन। दीदू हम आपसे छोटे और आप हमसे बहुत ज्यादा समझते हैं, पर इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है कि ये खेल अगर आपने अभी नहीं रोका ना, तो इसका नुकसान सिर्फ आपको होगा। ये कीर्ति भी ना कितनी जल्दी घबरा जाती है। अरे सब कुछ ठीक होगा, कम से कम अभय को तो पता है कि रागिनी को कैसे हैंडल करना है, पर ये कीर्ति जो वरुण जी पर खड़ेगी ना, पता नहीं अब वरुण जी कैसे इसे संभालेंगे। अच्छा बेटा, अगर घर में सब को भवन की तरह अंधेरा हो ना, इसका मतलब कि आज तेरी बीवी तुझे बहुत पीटने वाली। संभल जाओ और
चुपचाप निकल ले यहां से, चल भाग। कीर्ति रुक जाओ, कोई देख लेगा। क्या कर रही हो तुम? अच्छा, जब रागनी से लपटना था तो रोके नहीं रुके जा रहा था आप, और अब माँ मम्मी चाची जी नानी जी दादी जी सब याद आ रही हैं आपको। आपको तब नहीं डर लगा हा? जब वहां पे रोमांस कर रहे थे, और आज अपनी बीवी के साथ जिसके साथ सात फेरे लिए आपने, उसे कह रहे रुको, आप रुकिए, आपको हम दिखाते हैं। अरे क्या कर रहे हो, पागल हुई हो क्या? लग जाता तो हाँ। अरे तो हम आपको पागल ही लगेंगे, क्यों? क्योंकि आपको वो रागनी जो स्मार्ट लगने लगी, आपको हम दिखाते हैं हमारी स्मार्टनेस। कीर्ति देखो मेरी बात सुनो, वरुण जी नीचे आइए, नीचे आइए आप। नहीं मैं नीचे आऊंगा तो तुम मारोगी मुझे। नीचे आइए, नीचे आइए, चादर खींच दूंगी मैं। वादा करो, पहले वादा करो। कीर्ति अरे लगेगा, लग जाएगा वो। वरुण जी अरे क्या कर रही हो, क्या बच गया? ओबल कीर्ति बस बस, टाइम आउट टाइम आउट, कर दिया। कीर्ति मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, उस रागनी को हम पे शक हो जाता, वो कब से हम पे नजरें गड़ाए बैठी है, इसलिए मुझे ये सब बस कीजिए अपना इसलिए उसलिए, अब हमें कुछ नहीं सुनना, आप बस अभी ये नाटक और नहीं करेंगे। कीर्ति मैं बीच में ऐसे कैसे? वरुण जी हमने कहा ना, आपको ना कसम है हमारी, मुझे तो तुमने बचा लिया, लेकिन अब अभय का क्या होगा? वो तो बेचारा अकेला फंस गया ना उस रागनी के साथ। अरे ये बहनों की जोड़ी आज अकेले, वरुण भाई है उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है आजकल, पता नहीं किस गंदी चीज का असर हो गया है। हमें आरती से मिलना है तो जाओ ना मिल लो ना, मैं आरती को यहाँ लेकर आने वाली हूँ ना तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। एक्चुअली बुरा मत मानना, लेकिन मैं थोड़ी बिजी हूँ, अभय के साथ डेट पर जा रही हूँ। वैसे जिन्हें इस बात की शर्म आनी चाहिए उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, तो मैं बुरा क्यों ही मानूं? रागनी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मुझे, मेरे मेरे पैर में मोच आ गई। आराम से। अब है मैं चल नहीं पाऊंगी। आराम से। प्लीज मुझे अपने बाहों में ले लो ना, शायद दर्द कम होगा। आउच प्लीज। We'll be right back.
दीदू दीदू, ये मुसीबत कैसे पलट गई हमने सोचा ही नहीं, पर आपकी जाल आप पे ही भारी पड़ गई। बेचारा अब ये सारे मुसीबत का बोझ ना उसे उठाना पड़ रहा है, ये मुसीबत हमारे गले से उतर के उसके गोद में जाकर बैठ गई। पर कीर्ति, ये तो दीदू हमें लगता हमने बहुत सही किया है, वरुण जी को कसम दे के बांध दिया, अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। देखिए क्या क्या हो रहा है। कुछ भी फेंके मेरा सर नहीं फोड़ोगी, इतना तो भरोसा है मुझे तुम पे। इतना भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अब आपका सर कभी भी फूट सकता है। तुम गुस्सा हो, ये तो कॉफी डेट सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर दिख गया था, पर इतना तो क्या करती, खुशी खुशी क्या तालियां बजाती अपने पति को दूसरी औरतों को अपने गोद में उठाता देखकर। औरतें? ओ हेलो, एक ही औरत थी, वो भी मैंने मजबूरी में उठाया। मजबूरी? ओ हो, अच्छा आपके चेहरे पर जो खुशी टपक रही थी ना, वो देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सब आपने मजबूरी में किया होगा। तो एक काम करते ना, मुझे लगता है तुम्हारे ना आई टेस्ट करवाना पड़ेगा, चलो डॉक्टर पास। हाँ हाँ, अब सारी प्रॉब्लम्स आपको मुझ में ही नजर आएंगी ना। मेरी बीवी नंबर वन हो, पर मैं क्या करूं यार, वो रागिनी खिलाड़ी नंबर वन निकली। देखी नहीं तुमने कैसे उसने पांव में मोच आने का बहाना करके कितना बड़ा ड्रामा कर दिया। रहने दीजिए, सिर्फ कंधे का ही सहारा देना था ना आपको, तो आप आरती को बोल देते वो मदद करने के लिए आ जाती। लेकिन नहीं नहीं, आपको तो कंधा छोड़ो, उसके सामने हीरो बनना था ना, इसलिए आपने बाहें फैला दी उसे गोद में उठाने के लिए। सही कह रही थी कीर्ति, मुझे ना उसकी बात मान लेनी चाहिए थी कि मैं अपने ही हाथों किसी और की कहानी लिख रही। और कहानी लिख रही हो, कौन सी लव स्टोरी है क्या? हीरो अच्छा लिखना है। जो भी बीवी से बहुत प्यार करता हो उसे गोद में उठाते क्या हुआ? किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, क्या अब ऐसे किस्मत की लकीरों से क्या करते आप है? किस्मत की लकीरों से आप ऐसे क्यों? अब ऐसा ही हूँ मैं, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरी परफेक्ट बीवी। सर कल हमारी किताब बदले की आ का चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, यानी कि हमारा अगला कदम। दूसरा कदम? पर वो क्या है? हाँ दीदू, हमें भी ठीक से समझाइए कि आगे होगा क्या। रागिनी को पक्का यकीन दिलाना हो कि उसका सच्चा प्यार अभय ही है। तंग आ गया हूँ इस रिश्ते से मैं। बिना किसी रिश्ते के अगर वो तुम्हें इतना परेशान कर सकती है तो सोचो मेरा क्या हाल करती होगी वो। तुम तो कभी भी कहीं भी जा सकती हो, पर मैं तो पति हूं ना, कहीं नहीं जा सकता। अब तो उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं मैं। दीदू शक्ल तो नहीं दिख रही, पर अभय की आवाज से लग रहा है कि वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। क्या नाटक कर रहा है? एक मिनट, हमें सुनकर तय करने दो कि वो क्या कर रहा है। मैंने तय कर लिया रागी, सब बेच बाज के कहीं दूर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। चलोगी?
पता नहीं क्या सोच रही है, कहीं मुझ पे शक तो नहीं? नहीं, कुछ भी करके इसे मनाना तो पड़ेगा। राज के बाद मेरा प्यार पर से भरोसा ही उठ गया था, लेकिन तुमने जब तुम और मैं कहा, मुझे हम सुनाई दिया। एक नई उम्मीद जागी है अब है। तुम सही कह रहे हो, हमें जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जहां सिर्फ तुम, मैं और हमारा प्यार। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम जल्द से जल्द ना प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार कर लो। हम सब कुछ बेच के ना यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं। मैंने हमारे घर के पेपर्स पहले ही बनवा लिए थे, अब बस ये उस पे साइन कर दे, फिर रागिनी से हम अपना घर हमेशा के लिए उसे वापस हासिल कर लेंगे। और ये मैं आज रात को ही करूंगा, ऐसा धक्का लगेगा ना, उसे जिंदगी भर याद रखेगी। आज शाम जश्न की शाम है, पर जिस चीज का जश्न है उसको तो साइन कर लो पहले। इन पेपर्स पर साइन करके हम हमारी आजादी का जश्न मनाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। लो, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।